हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। ये मैंने लिया पैनी पास्ता और पानी मैंने बॉईल किया, उसमें एक चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसमें पास्ता डाल दिया थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए। एक पैन लेना है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा चॉप गार्लिक ऐड किया। गार्लिक को थोड़ा सा सौते करने के बाद चिकन बोनलेस में इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा सौते करना है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और अबाउट द टेस्ट एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। फ्राई कर लेंगे इसको थोड़ा सा बस चिकन को, तब तक जब तक चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। हाफ टी स्पून इसमें किसी भी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, इसमें चिकन ने जब अपना पानी छोड़ दिया वो जैसे ड्राई होगा तो हम इसको बंद कर देंगे, उतार देंगे। चिकन हमारा कुक हो गया, अब हमने इसको चिकन को हमने डिश आउट कर दिया। अब पैन में 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे क्योंकि ये वाइट सॉस है, तो इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद थोड़ा सा कुक करेंगे मैदे को। जैसे ही मैदा थोड़ा सा कुक होगा और इसमें से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर हम इसको इसमें दूध ऐड करेंगे वाइट सॉस बनाने के लिए। इसका पैन बंद कर देना है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पहले थोड़ा मिक्स डालना है, मिक्स डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद 1 कप मिल्क लिया है, एक कप दूध डालना इसमें और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी सॉस जो है हमारी थिक हो जाए और इसके ये देखिए सॉस को थोड़ा सा ऐसे विस्क से करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब इसमें बिल्कुल 1 पिंच जो है वो हम अपने थाइम डाल देंगे और ओरिगैनो। और सॉस हमारी थिक होगी है, रेडी होगी है। इसमें हम अपना पास्ता ऐड कर देंगे और अपना चिकन भी डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसको मिक्स कर दिया हमने इसके अंदर वाइट सॉस के अंदर पास्ता चिकन और ये मैंने चीज़ जो अपनी की हुई थी वो, और उसके बाद ये हेलोपिनोस और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये हमारा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया। और ये हमारा पास्ता रेडी, अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। वाइट सॉस पास्ता रेडी है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी इसको ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है।